हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बेबी गर्ल के ब्लूमर की कटिंग सिखाई थी। आज की वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमने दोनों साइड के आसन सेम रखकर इनके ऊपर सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी इसकी सिलाई लगा लेनी है। देखिए, हमने आसन के ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी हमने इस तरह से इसको रखना है सीधे, और अभी हमने यहाँ से फोल्ड करना है इसको। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है हमने। इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है, और सेम दूसरी तरफ भी इसकी सिलाई लगा लेनी है हमने इसी तरह। इस तरफ भी हमने इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। अभी हमने यहाँ पे इसको बिल्कुल बंद कर देना है दोनों साइड पे सिलाई लगाकर। अभी हमने ये देखिए ये नीचे से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हमने बस इसके ऊपर जहाँ पे हमने इलास्टिक डालनी है वहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। बहुत ही जल्दी से ये इसकी सिलाई कर सकते हैं हम। इस तरह से हमने इसके ऊपर से ये नेफा फोल्ड करके इसके बीच में इलास्टिक डालना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड करते हुए जाना है। और इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए जाना है। सेम इसी तरह हमने सारा फोल्ड कर लेना है इसको पहले।
सी हम जगह छोड़ ली है हमने। ये जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि हमने इसके बीच में इलास्टिक डालना है, और जहाँ पर हमने सिलाई ख़त्म की है उसको वहाँ से इस तरह से डबल कर लेना है। इसको दोबारा से फिर उसी तरफ को करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है, नहीं तो फिर हमारी जो सिलाई है वो निकलने लग जाती है। देखिए ये हमारा ब्लूमर जो है बनकर रेडी है। आप इसमें चौड़ी इलास्टिक भी डाल सकते हो या फिर जो कम चौड़ी इलास्टिक आती है वो वाली भी डाल सकते हो इसके बीच में। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ जो ब्लूमर है घर पर ही इसकी सिलाई कर सकते हो इस तरह से।